दीपावली के अगले दिन गुरुवार को घर घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा और सभी उनकी छाया में आराम से रहे। फिर सातवें दिन भगवान ने उस पर्वत को नीचे रखा, तभी से हर साल गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। विशेष रूप से इस दिन गायों की पूजा की जाती है। गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। देवी लक्ष्मी के समान इनकी पूजा की जाती है, जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ के परिवेश में अगर बात की जाए तो यहाँ गायों को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। यादव समाज के लोग गाय के पैर को धोकर खिचड़ी और रोट का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे नेवज यानी नया भोजन कहा जाता है। जिन घरों में गायों का पालन पोषण किया जाता है, उन घरों में जाकर गाय को सोहई बांधने की परंपरा निभाई गई। पूजा करके जब यादव बंधु घर लौटे तो महिलाएं गोबर का तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। इसके साथ ही राजधानी के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जहां भगवान को 56 भोग अर्पित करके अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सभी ने भेदभाव मिटाकर अन्नकूट का आनंद लिया। वहीं गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन यादव समाज के लोग सामूहिक रूप से मातर जगाने की परंपरा निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।